फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज हम एक बहुत ही चर्चे में रहने वाला स्टॉक जो है, जो कि 40 रुपये का है और जो ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में का स्टॉक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार ये वीडियो अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि ऐसे ही मल्टीबैगर जो स्टॉक्स है, चाहे स्विंग स्टॉक हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का एनालिसिस, डेली एनालिसिस वीडियो हो, स्विंग ट्रेडिंग, वीकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स हो, तो उन सब का फ़ायदा उठाने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में जो QR कोड दिख रहा है, इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ताकि लाइव मार्केट में आपको लेवल्स प्रोवाइड हो। और एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। तो ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स, कुछ स्विंग स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, ट्राइडेंट हमने हाल ही में दिया था, 4 तारीख को मैंने इसका वीडियो बनाया था, जब ब्रेकआउट होने से पहले, एक दिन पहले मैंने ये वाला स्टॉक, इसका एनालिसिस मैंने करके डाला हुआ था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर बाद में देखेंगे तो बहुत सारी न्यूज़ आएंगे कि अभी भाग गया, ब्रेकआउट होगा, ये होगा, लेकिन उसके पहले, ब्रेकआउट होने से पहले हम वीडियो एनालिसिस वीडियोज़ डालते हैं। तो अभी आज जो यहाँ पे देखेंगे तो IEX का भी मैंने डाला हुआ है, हैप्पीएस्ट माइंड का डाला हुआ है, मरीन इलेक्ट्रिकल्स का डाला हुआ है। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज के स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो कि है एक 42 रुपीज़ अभी चल रहा है। और ये वीडियो बनाने का जो है, मैं फंडामेंटल तो इसके ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हज़ारों लाखों वीडियोस जो है इसके बारे में यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे टेक्निकली एंट्री कहाँ पे बनेगी और कहाँ तक ये हमें लेके जा सकता है, कितना हमें रिटर्न्स मिल सकता है, तो ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ अपनी वीडियो में। तो बात हो रही है सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन का जो है अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है, और इसकी एक ख़ास बात यह है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये जो है 2011 से लेके अभी 2024 चल रहा है, तो ये वाला जो आप देखेंगे, ये जो उसका कंसोलिडेशन फेज़ है, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। जिनको एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो उनको पता होगा कि अगर कोई लॉन्ग टर्म अपना कंसोलिडेशन ब्रेक करता है कोई स्टॉक, तो उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि ये वाला जो कंसोलिडेशन फेज़ है इसका, ये लगभग 12 साल का कंसोलिडेशन फेज़ है, और ये 12 साल का कंसोलिडेशन फेज़ का इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये काफ़ी लॉन्ग जोन था इसका, ये वाला कंसोलिडेशन का, तो इसका ब्रेकआउट दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से हमें रिटर्न आने वाले कुछ सालों में दे सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी आप सबके लिए कि आप कम से कम 100 से लेके 200 शेयर्स जो है, मतलब 4200 से लेके 8400 रुपया या 10000 रुपया पकड़ लीजिए, इन्वेस्ट अगर कर देते हो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो आपको काफ़ी अच्छे इसमें तगड़े रिटर्न्स आने वाले कुछ सालों में देखने मिल सकते हैं। क्योंकि आज अभी मार्केट में अगर देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी और AI के जो स्टॉक्स है, उसका उनका पोटेंशियल आने वाले 5 सालों में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल उनमें दिखता है। तो उनके जो स्टॉक्स है, उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। तो मैंने इसके ये जो जोन है, ये वाला निकाला हुआ है, तो ये इसका बाइंग जोन होने वाला है, जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ वाला, मैं तारीख भी डाला हुआ है, ताकि जब भी हम आगे कभी ये जब भागेगा, जब मल्टीबैग रिटर्न देगा, तो हम तारीख यहाँ पे देख सके कि किस
तारीख को हम ये वीडियो बना रहे थे, तो ये वीकली का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। और अभी अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो इसी प्राइस पे भी आप अभी ख़रीद सकते हो, जो कि 42.60 रुपीज़ लगभग 42.50 रुपये के आसपास चल रहा है। और बाकी जो क्वांटिटी आधी क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और आधी आधी क्वांटिटी जो है आपको 31 रुपीज़ से लेके 23 रुपीज़ के बीच में अगर कहीं पे डिप मिलता है तो आप उसे यहाँ पे बाय कर सकते हो, बाकी की आधी क्वांटिटी। और इसे आप कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म समझ के चलिए तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। तो मैं ऊपर के साइड जो टारगेट निकल के आने वाले हैं उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ एक बार। तो ये वाला जो रहेगा हमारा, ये 50 रुपये जो है ये रिसेंट टारगेट होने वाला है हमारा, तो इसे मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। उसके बाद अगर देखेंगे, तो ये वाला जो है हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है, जो कि है 74 रुपीज़ का, मार्क कर देता हूँ। उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारा टारगेट होने वाला है 93 रुपीज़ का, ये वाला। उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारा ये वाला टारगेट है 110 रुपया, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये वाला जो हाई है ये उसका टारगेट होगा नेक्स्ट वाला, जो कि 130 से लेके 130 का ही है, सॉरी। ये वाले टारगेट होने वाले हैं रिसेंट में, आने वाले 1 या 2 साल के अंदर। बाकी अगर देखेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म में इसे होल्ड करते हो कम से कम 5 साल के लिए, तो ये अपना हाई भी क्रॉस कर सकता है, 400+ भी ये स्टॉक जा सकता है। तो इसमें इतना पोटेंशियल है, क्योंकि ये 12 साल का कंसोलिडेशन जो ब्रेकआउट हुआ है ये काफ़ी अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न हमें देखने मिलते हैं ऐसे वाले स्टॉक में, जिन्होंने अपना 12 साल का जो है कंसोलिडेशन जो फेज़ होता है उसको अगर ब्रेक किया है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न देने की ताकत रखता है। ये प्राइस लेवल जो यहाँ पे गए हैं, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि हम आने वाले टाइम में इसको देख सके कि हमने ये कहाँ पे प्लेस किया हुआ था। तो आप जो है फ्रेंड्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्लेमर दे दूँ, जो भी ये मैं सिर्फ मेरा एनालिसिस है, तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही करें, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस वीडियो है, तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हो तो ये लेवल्स जो है मैंने प्रोवाइड करे हैं आपको। तो ये वाला जो होगा इसका 32 रुपीज़ से लेके 23, ये वाला इसका बाइंग जोन होगा। और यहाँ पे जो रनिंग प्राइस है CMP, करंट मार्केट प्राइस है 42 रुपीज़ से लेके 43 रुपीज़, आप यहाँ पे भी इसको बाय कर सकते हो अभी। और एक इसका जो होल्डिंग पीरियड होगा, आप होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा इसका लंबा अगर रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ये तो ये जो है अभी टेक्निकली काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग दिख रहा है, बाइंग जोन में दिख रहा है, या अभी भी बाइंग जोन में ही है। क्योंकि अभी ऐसा मत समझना कि अभी ब्रेकआउट हो गया यहाँ से नीचे आएगा फिर शायद हो सकता है नीचे जाए, तो फंडामेंटली भी जो है इसके काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, तो उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फंडामेंटल्स के आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं टेक्निकली ज़्यादा विश्वास रखता हूँ टेक्निकल्स पे, क्योंकि फंडामेंटल्स आपको सिर्फ स्टॉक की जो है स्ट्रेंथ बताएगा, और टेक्निकल जो है आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, ये टेक्निकल्स ही आपको चार्ट ही बताएगा। तो इसलिए मैं प्राइस एक्शन ही देखता हूँ, प्राइस पढ़ता हूँ, तो मैं मुझे जहाँ तक दिख रहा है प्राइस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो ये बाइंग जोन में ही है अभी, आप इसे बाय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
बेल का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप ये वाला जो QR कोड आपको राइट हैंड कॉर्नर में दिख रहा है उसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स के इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लाइक अगर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।